पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं और दरअसल सीएम धामी पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आयुर्वेद से जुड़ी 51 पुस्तकों का विमोचन किया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन करने की घोषणा की। तो वही सीएम ने स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया जाए। अनुरोध किया है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर उत्तराखंड के अंदर यहाँ बनाए और हमने उनसे अनुरोध किया है जिससे कि उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया के अंदर जाए और उन्होंने इसमें सहमति दी है कि जल्दी ही वो जो है इस क्षेत्र में काम करेंगे। और वैसे भी पतंजलि योगपीठ और आचार्य जी और हमारे स्वामी रामदेव जी के द्वारा पूरे योग को हो या मैं कहूँ आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर और जन जन का बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी पर आधारित वेलनेस सेंटर बने, तो दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर अभी भी बहुत बड़ा है, 3000 लोगों की क्षमता है, लेकिन 5 से 10 हजार लोगों की क्षमता वाला वो वेलनेस सेंटर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की का जो संकल्प है उसको हम पूरा करेंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे और पूरी दुनिया के नक्शे पर और उभरेगा उत्तराखंड और हरिद्वार। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर फिर से प्रहार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस 5 जुलाई को राजभवन कूच करने जा रही है। आवास राहुल गांधी का आवास छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। पूरी दिल्ली के उस पूरे एरिया को पुलिस प्रतिबंधित कर देती है, वहां पूरा घिराव हो जाता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सत्ता में घबराहट है, नहीं तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि अगर कहीं पर कोई चीज विपक्ष को गलत लगती है तो विपक्ष उसका प्रतिकार करेगा, उसके विरोध में धरने प्रदर्शन इत्यादि की इजाजत है, विरोध प्रकट करने की इजाजत है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है और एक अघोषित इमरजेंसी लग गई है। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद शुरू करने जा रही है। जो कैंसर इंस्टीट्यूट को लेकर के जो मेजर इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए हैं और जो ये नए इक्विपमेंट्स आएंगे, ये इक्विपमेंट्स को खरीद करके जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें हम कैंसर के लिए एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देंगे और साथ ही साथ जो ये करंट बिल्डिंग है वो बनेगी और करंट बिल्डिंग बनने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 2024 तक बन करके तैयार हो जाएगा। विकासनगर के कालसी ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक बेहद परेशान हैं। अस्थी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि शिक्षक कभी भी समय पर स्कूल आते ही नहीं हैं, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभी सोमवार को कल शिक्षक हैं श्री लक्ष्मीकांत, वो पिछले 3 दिनों से बिना अनुमति और पूर्व सूचना के गायब है। आज जब वो आए तो 11 बजे स्कूल आए, न तो उन्होंने इस बात की सूचना हमें दी कि मैं विलम्ब से हूँ, न तो विगत 2 दिनों की अर्थात 1 और 2 तारीख की उनकी कोई अप्लीकेशन आई, न कोई आवेदन आया। छुट्टी किसी भी तरह से न तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई थी, न जनपद स्तरीय हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने स्वयं से छुट्टी लगा दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।